हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि आप बोर्ड पर लिखे गए टर्म को देख सकते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, इन्हीं सारी टर्मों के बारे में बताने वाला हूं कि ये सारे टर्म क्या होते हैं और इनके बारे में जो भी डेफिनेशन होता है काफ़ी आसानी से मैं समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसके पहले जैसे मैंने कि पंचायत में कौन कौन से पद होते हैं, प्रखंड क्या होते हैं, जिला क्या होता है, अनुमंडल क्या होता है, पिछले वीडियो में मैं जब बनाया था तो उसमें आप सबों का बहुत प्यार मिला था, तो उसी के बदौलत मैं आज की इस वीडियो में आप डिस्कस करने वाला हूं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के बारे में काफ़ी आसानी से, क्योंकि ऐसे टर्म कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इन सारे टर्मों के बारे में जानना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ इन सारे टर्मों के बारे में। और इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले मैंने पहले की वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ग्राम पंचायत होता है ना, हम लोगों का जो ग्राम पंचायत का जो गठन होता है, लगभग 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत को बनाया गया है, 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत को बनाया गया है। तो उसी प्रकार संविधान में हमारे जो भी हमारा देश है, जनसंख्या के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में देश को बांटा गया है। तो 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठन किया जाता है, तो ग्राम पंचायत क्या हो गया, सबसे छोटी इकाई हो गया। तो इसके ऊपर जैसे ही जाते हैं तो ये सारे टर्म आपको देखने को मिलते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1992 के संविधान के 74वें संशोधन में इन सारे टर्मों को जोड़ा गया है। मतलब ये हुआ कि जितने भी टर्म दिखाई दे रहे हैं ये सब संवैधानिक पद हैं, इसका संविधान में ये सब संवैधानिक पद हैं। तो आइए इसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नगर पंचायत के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नगर पंचायत के बारे में। तो ये नगर पंचायत क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत होता है, 7000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो ग्राम पंचायत से ठीक बड़ा जो मतलब पद होता है वो होता है नगर पंचायत। यानी नगर पंचायत कोई भी स्थान नगर पंचायत का बनता है, तो कोई भी गांव या शहर जब वो ग्राम पंचायत से नगर के रूप में मतलब तब्दील हो जाता है, नगर के रूप में उसको दर्जा दे दिया जाता है, तो नगर पंचायत बन जाता है। मतलब कोई भी स्थान हो, कोई भी ग्राम पंचायत हो, जब वो उसकी जनसंख्या, जैसे अब इसकी जनसंख्या पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का जनसंख्या कितना होता है, 7000 होता है। तो जब कोई समझिए कि ग्राम पंचायत जब नगर के रूप में तब्दील हो जाता है तो नगर पंचायत बन जाता है। और नगर पंचायत की जो जनसंख्या होती है कितनी होती है, तो नगर पंचायत की जो जनसंख्या होती है 30,000 से 1,00,000 के बीच में होती है। नगर पंचायत की जनसंख्या कितनी होती है, 30,000 से 1,00,000 के बीच में होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 7,000 होती है। तो इसकी 30,000 से अधिक और 1,00,000 के बीच में अगर कोई किसी शहर की जनसंख्या होती है तो वो नगर पंचायत बन जाता है। और नगर पंचायत जो होता है, जिस प्रकार पंचायत वार्ड में बटे होते हैं तो ठीक उसी प्रकार नगर पंचायत भी वार्ड में बटे होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ नगर पालिका परिषद की। तो नगर पालिका परिषद कैसे बनता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जैसे अभी आपको समझाया है कि नगर पंचायत के बारे में, नगर पंचायत क्या होता है, तो ये ग्राम पंचायत के बाद का ये पद होता है। तो उसी प्रकार नगर पालिका जो होता है ये नगर पंचायत के बाद आता है। नगर पालिका का जो गठन होता है ये नगर पंचायत के बाद इसका गठन होता है। और इसकी जो जनसंख्या होती है, इसकी जनसंख्या कितनी होती है, तो नगर पालिका परिषद की जो जनसंख्या होती है 1,00,000 से 10,00,000 तक के बीच में होती है, 1,00,000 से 10,00,000 के नीचे होती है। नगर पालिका परिषद का जो मतलब जनसंख्या होता है वो कितना होता है, 1,00,000 से 10,00,000 के बीच में। अगर सपोज दैट कोई नगर पंचायत है और उसकी जनसंख्या 1,00,000 से अधिक हो जाए और 10,00,000 के बीच में अगर रहे, 10,00,000 से नीचे रहे, तो वो समझिए कि बन जाता है नगर पालिका परिषद। और ये भी समझिए कि वार्ड में बांटा हुआ रहता है, ये नगर पालिका परिषद भी क्या होता है कि वार्ड में बांटा हुआ रहता है। अब मैं बात कर लेता हूँ नगर निगम के बारे में। नगर निगम के बारे में जैसे कि आप जानते ही हैं, तो ये नगर निगम का जो गठन होता है, नगर निगम क्या होता है कि जब किसी शहर की जनसंख्या 10,00,000 से अधिक, जब किसी शहर की जनसंख्या 10,00,000 से अधिक हो जाती है
और अधिकतम सीमा इसकी क्या हो सकती है नहीं बताया गया है, तो वो तो उस समय समझिए कि नगर निगम बनता है, जबकि शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है, लेकिन अधिकतम सीमा क्या रहेगी ये तय नहीं किया गया है, तो उस शहर को समझिए कि नगर निगम कहा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो नगर निगम क्या होता है, तो कुल मिलाकर हम देखें तो इन सारे टर्मों को शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि ग्राम पंचायत के बारे में, ये ग्राम पंचायत का जो गठन होता है 7000 की जनसंख्या पर होता है। उसके बाद बात आता है नगर पंचायत, नगर पंचायत की जो नगर पंचायत का जो गठन होता है 30000 से 1 लाख के बीच में होता है। और उसके बाद नगर पालिका परिषद का जो गठन होता है 1 लाख से 10 लाख के बीच में होता है। और नगर निगम का जो गठन होता है 10 लाख की जनसंख्या पर होता है। और नगर निगम का जो मेन व्यक्ति जो चुन कराता है, किस प्रकार पंचायत ग्राम पंचायत के चुनाव मुखिया चुना जाता है, तो ठीक उसी प्रकार नगर निगम के चुनाव में जो व्यक्ति चुना जाता है उसको कहा जाता है मेयर, यानी उसको महापौर कहा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को समझाया कि किस प्रकार नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि का गठन होता है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जाकर हमें जरूर बताइए, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।